शादी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जब तक आप तैयार ना हो मेंटली एंड फाइनेंशियली। अज़रा कब शादी नहीं करनी चाहिए? कब शादी नहीं करनी चाहिए, कब करनी चाहिए? भाई जब दिल करे शादी करो, कोई जबरदस्ती नहीं है, नो बडी इज फोर्सिंग एनीवन। आपका जब जैसे कि फरा कह रही है, जब आप मेंटली रेडी हो और मतलब स्टेबल हो जाओ, दैट्स द बेस्ट पार्ट। यू हैव टू बी स्टेबल। बाय स्टेबल इट डज नॉट मीन कि आप सिर्फ फाइनेंशियली स्टेबल हो, इट ऑल्सो मीन्स कि आप इमोशनली स्टेबल हो। आप मतलब हर हिसाब से, आप दिल से जब चाह रहे हो और आप इमोशनली आपको लगता है आप रेडी हो। व्हाट्स द बेस्ट एज फॉर द मैरिज? आई थिंक सो 28 से लेके आगे जितना भी हो। ओके फड़ा, अज़रा एज डिफरेंस होना चाहिए कपल में या लोग कहते नहीं, अगर एक एज है तो आई थिंक वो बेहतर समझते। व्हाट डू यू थिंक एज डिफरेंस? ज्यादा डिफरेंस आई डोंट प्रेफर कि ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए, लाइक थोड़ा सा 2-3 साल इज फाइन आई थिंक, नॉट मोर देन दैट, या मे बी 5 आपका एज मतलब इतना चाहे शायद ना आप 5 साल का भी डिफरेंस हो जाए समथिंग, लेकिन अगर आप दोनों की थिंकिंग मैच करती है, व्यूज मैच करते हैं, देन आई थिंक सो यू कैन, यू आर गुड टू गो। कामयाब शादी हर कोई करना चाहता है, किसी की होती है, किसी की कामयाब नहीं होती। नंबर 1 चीज क्या है कामयाब शादी के लिए? एक दूसरे को समझना। Definitely understanding or loyalty, sincerity बहुत जरूरी है। Yes. No cheating. No cheating. No cheating. Thank you guys. No stay blessed. Thank you Farah. Thank you so much. Thank you Azra. Thank you so much.